गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमने पुराने लेक्चर्स में स्टार कनेक्टेड लोड को डिस्कस किया था थ्री फेज के इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे डेल्टा कनेक्टेड लोड को थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड तो चलिए हम सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं इसके तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो हमारा ट्राइंगल शेप कनेक्शन होता है तो हमने सबसे पहले तीनों फेजेस पर तीन कॉइल्स कनेक्ट कर दिए दिस इज आर फेज दिस इज वाई फेज एंड दिस इज वी फेज नाउ जैसे हमने स्टार के साथ थ्री वायर्स कनेक्ट किए थे सिमिलरली हम अपने डेल्टा के साथ भी थ्री वायर्स कनेक्ट करेंगे बिकॉज वायर्स के बिना हम कनेक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते आर वाई बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई इज V R Y. Is this is V by V and this is V B R. पहले लेक्चर में बताया था phase सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखेंगे Now, इस phase की current है लाइन की करंट है I R. इस लाइन की current है I वाई एंड इस लाइन की करंट है I B. Now, अब हम फेज के वोल्टेज को देखते हैं ये फेज जो है हमारा आर और वाई के बीच में आ रहा है इस फेज का वोल्टेज हो गया वी आर वाई ये फेज वाई एंड बी के बीच में आ रहा है तो इस का वोल्टेज और R के बीच में आ रहा है तो वोल्टेज इज वी बी आर नाउ ये आई आर करेंट इस पॉइंट पर आकर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी आई वाई करंट भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी आई बी करंट भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी तो हम लोगों ने फेज सीक्वेंस के हिसाब से एक क्लॉकवाइज सीक्वेंस लिया और तीनों फेजेस में करंट को डिवाइड करा दिया तो हमने अपनी सीक्वेंस क्या लिया है करंट का दिस सीक्वेंस क्लॉकवाइज सीक्वेंस में हम लोगों ने अपनी करंट को बना दिया तो यहां पर अगर हम लोग न्यूट्रेशन देते हैं तो सबसे पहले हम लाइन करंट की बात करते हैं तो लाइन करंट इज आई आर Iy and Ib, a common name IL. Now phase current की बात करते हैं तो the phase current is Ir by I by b and Ibr. This is I phase. अब अगर हम लोग line voltage की बात करते हैं तो the line voltage is Vr by V by b and v -B R. VL के बराबर और अगर हम लोग फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो अगर आप डायग्राम देखेंगे फेज पे भी सेम वोल्टेज जनरेट हो रहा है ठीक है ना तो यहां पर हमारा फेज वोल्टेज का नाम भी क्या हो गया वी आर बाय वी बाय बी एंड वी बी आर फेज बिकॉज लाइन का बीच लाइन भी आर और वाई के बीच फेज भी आर और वाई के बीच बोथ आर पैरली कनेक्टेड एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम हो है हमारा तो वी आर वाई वी आर वाई पूरा वोल्टेज पहुंचा तो आई थिंक पहला रिलेशन आप लोग समझ गए द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज तो डेल्टा कनेक्शन के केस में द लाइन एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है सेम पहले वाले वीडियो में हम लोगों को आपको याद होगा कि हम लोगों ने करंट का रिलेशन निकाला था कि करंट जो निकल कर आती है इट इज सेम इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम और वोल्टेज सेम इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम तो नाव रिलेशन अब कैलकुलेट करते हैं द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट अब अगर आप डायग्राम को देखें करंट हमारी डिवाइड हो रही है तो हम यहां पर तीन नोड हमें मिली है आर नोड वाई नोड बी नोड इन तीनों नोड पर हम एक एक करके के अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनकमिंग एंड आउट गोइंग करेंट का सबसे पहले हमने बनाया नोड आर जब हम नोड आर की बात कर रहे हैं तो डायग्राम में देखिए, आई आर इज इनकमिंग करेंट आई बी आर इज ऑल्सो अ इनकमिंग करेंट एंड आई आर बाई इज अ आउट गोइंग करेंट अकॉर्डिंग टू द के सी एल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करेंट तो यहां से हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर वाई माइनस आई बी आर लाइन एक तरफ फेज एक तरफ और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई आर वाई का पॉजिटिव फेज एंड आई बी आर का नेगेटिव फेज सिमिलरली हम लोग अपनी बाकी की दो नोड में इक्वेशंस बनाते हैं यानी नोड वाई जब हम नोड वाई की बात कर रहे हैं तो डायग्राम में एट वाई नोड हमारा क्या है आई वाई इज अ इनकमिंग आई आर वाई इज अ इनकमिंग आई वाई बी इज अ गोइंग इस डायग्राम को यहीं पर रखते हैं और अपनी इक्वेशंस को बनाते हैं तो आई वाई इज इनकमिंग आई आर वाई इज इनकमिंग आई वाई बी इज आउट गोइंग तो इक्वेशन क्या बनी आई वाई इक्वल टू आई वाई बी माइनस आई आर वाई पॉजिटिव फेज और निगेटिव फेज में इसको चेंज कर देते हैं ये कॉम्बिनेशन बना सिमिलरली फॉर नोड बी डायग्राम में देखिए नोड बी के लिए आई बी इज इनकमिंग आई वाई बी इज इनकमिंग आई बी आर इज आउट गोइंग तो आई बी प्लस आई वाई बी इज इक्वल टू आई बी आर आई बी इक्वल टू हो गया आई बी आर माइनस आई वाई बी यानी आई बी आर प्लस माइनस ऑफ आई वाई बी तो ऐसा कुछ कुछ रिलेशन हम लोगों ने स्टार के केस में भी किया था बट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कि दो लाइन दो फेज वोल्टेज मिलकर वहां पर एक फेज वोल्टेज बना रहे थे यहां दो फेज करंट मिलकर एक लाइन करंट को जनरेट कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं फेजर डायग्राम फेज वैल्यू से बनेगा और हमारी फेज करंट है आई आर आई वाई बी एंड आई बी आर तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर ड्रॉ कर दीजिए ये देखिए तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर हमने ड्रॉ कर दिया अब मुझे को पहली करंट अगर देखनी हो आई आर आई आर को कैलकुलेट करने के लिए आई आर वाई का पॉजिटिव आई बी आर का नेगेटिव आई आर वाई का पॉजिटिव और आई बी आर का नेगेटिव पहले तो ये बन गया आई बी आर का नेगेटिव इन दोनों के बीच बना साठ डिग्री का डिफरेंस अब दोनों का वही सेम पैरेललोग्राम मेथड दोनों के पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे दिस इज रिजल्टेंट ऑफ आई आर विथ थर्टी डिग्री डिफरेंस सेम डायग्राम बन रहा है हमारा जो स्टार में था सेम मेथड सब कुछ सेम बस वो करंट के लिए ये करंट के लिए और वो वोल्टेज के लिए था द नेक्स्ट इक्वेशन इज आई वाई आई वाई में आई वाई बी इज पॉजिटिव आई आर वाई इज निगेटिव आई वाई बी इज पॉजिटिव एंड आई आर वाई इज निगेटिव निगेटिव किया अगेन दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी दिस इज आर रिजल्टेंट आई वाई विदर्टी डिग्री नेक्स्ट इज आई बी तो आई बी आर का पॉजिटिव एंड आई वाई बी का निगेटिव दोनों के पैरल लाइन्स ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज आई बी विथ थर्टी डिग्री डिफरेंस फेजर डायग्राम भी हमारा बिल्कुल सेम बना है तो अब आप समझ गए होंगे पैरलोग्राम मेथड लगाना है तो आई आर इक्वल टू आई आर वाई का स्क्वायर आई बी आर का स्क्वायर बिकॉज आई आर के लिए ये दो करंट यूज हुई है टू आई आर वाई आई बी आर दोनों के बीच का एंगल कॉस सिक्सटी आई आर इज अन आई आर वाई इज अ फेज ibr is also phase i phase into i phase into 1 by 2 to say to cancel out i phase square plus i phase square plus i phase square so, il equal to under root 3 times of i phase so in case of star connected system एल इक्वल टू रूट थ्री वी फेज केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम आई एल इक्वल टू अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ आई फेज तो अब आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी कि पावर दोनों के केस में सेम ही निकल कर आएंगी तो पावर का फॉर्मूले हमारे एज इट इज बनेंगे पी इक्वल टू थ्री वी फेज आई फेज कॉस और रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव अगर हम एपरेंट पावर की बात करें तो एस इक्वल टू थ्री वी फेज आई फेज और रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आईएल अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो Q इक्वल टू थ्री वी फेज आई फेज साइन फाइव और अंडरवूड थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल साइन फाइव तो पावर चाहे स्टार के केस में निकालो चाहे डेल्टा के केस में निकालो वैल्यू इज सेम तो नाउ हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए क्वेश्चन नंबर One three identical coils, each having resistance of fifteen ohm and inductance of zero point zero three Henry, are connected. इन डेल्टा पता है हर नुमेरिकल में मैंशन होगा कि वो स्टार का नुमेरिकल है या डेल्टा का नुमेरिकल ये हमेशा गिवन होगा जिससे कि आप फॉर्मूले सही अप्लाई कर सकें थ्री फेस फोर हंड्रेड बोल्ड फिफ्टी हर्ट अप्लाई कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट द फेज करेंट सेकेंड पार्ट इज लाइन करेंट थर्ड इज पावर फैक्टर फोर्थ इज टोटल पावर ना चलिए स्टार्ट करते हैं याद रखना है पहले स्टार के डर वीडियोज में मैंने भी यही बताया था इंपीडेंस फेज का होगा वोल्टेज लाइन का होगा तो आर फेज दिया गया है फिफ्टीन ओम एंड एल फेज दिया गया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री हेनरी तो द फर्स्ट पार्ट वी कैलकुलेट द XL फेज टू पाई एफ एल थ्री पॉइंट वन फोर फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी एल इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो एक्सएल की वैल्यू निकल कर आई हमारी नाइन पॉइंट फोर टू फाइव ओम तो हमने यहां से जेड फेज कैलकुलेट कर लिया वैल्यू पुट करके यहां से वैल्यू निकाली तो द वैल्यू इज जेड इज सेवनटीन पॉइंट सेवन टू ओम नाउ यहां पर लाइन वोल्टेज गिवेन है हमें फोर हंड्रेड वोल्ट एंड द कनेक्शन इज डेल्टा इफ द कनेक्शन इज डेल्टा द वी एल एंड वी फेज बोथ आर सेम नाउ अभी हम कैलकुलेट करते हैं अपनी करेंट को तो द फर्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट द करेंट सॉरी तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आई फेज को कैलकुलेट किया तो आई फेज का फॉर्मूला होता है वी फेज अपॉन जेड फेज और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं वी फेज इज 400 हंड्रेड जेड फेज इज 17.72 पॉइंट सेवन टू हमने आई फेस को कैलकुलेट किया दिस इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एट एम्पियर सेकेंड पार्ट इज आई एल और आई एल का रिलेशन अभी अभी आपने डेल्टा कनेक्शन में निकाला 3 phase, है रूट थ्री टाइम्स ऑफ आई फेज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एट रखी थर्टी नाइन पॉइंट वन वन एम्पियर कॉस फाइव R phase upon Z phase. R phase is 15, 17.72. The value of cos phi is 0.8468. And the last part is power. Under root 3 times of VL, IL cos phi. VL is 400, IL is 39.11, cos phi is 0.8468. The power is पावर इज ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन फोर थ्री किलो वॉट पावर नाउ अगर हम लोगों को नुमरिकल सोल्व करना है एक ही नुमेरिकल जिसमें हम लोग स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन लगाना चाहें वो भी हम कर सकते हैं कि एक ही नुमेरिकल में हमने स्टार भी सॉल्व किया एंड डेल्टा को भी सॉल्व किया तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 identical coils connected in delta across 400 volt 50 hertz three phase ac supply take a line current ऑफ सेवेंटीन पॉइंट थ्री टू एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ पॉइंट एट लेगिंग यहां लेगिंग लिखा हुआ है दैट मीन्स ये कंपल्सरी है कि यहां पर आर और एल का कॉम्बिनेशन होगा इफ यहां लीडिंग होता तो आर एंड सी का कॉम्बिनेशन होता पहले वीडियोज में भी आपको ये चीज क्लियर से बताई गई है कैलकुलेट करना है द फर्स्ट पार्ट इज फेज करेंट द सेकेंड पार्ट इज आर एंड एल ऑफ ईच कॉयल एंड थर्ड पार्ट इज पावर चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गिवन डेटा क्या क्या है यहाँ पर हमारा सबसे पहले वी एल गिविन है फोर हंड्रेड वोल्ट कनेक्शन इज डेल्टा तो ये वी फेस के बराबर हुआ लाइन करंट गिवन है यानी आई एल है सेवनटीन पॉइंट थ्री टू एम्पियर आई फेस कैलकुलेट कर लेते हैं आई एल डिवाइडेड बाई रूट थ्री सेवनटीन पॉइंट थ्री टू बाई अंडर रूट थ्री टाइम्स यानी टेन एम्पियर ठीक है 3, times, ये कैलकुलेट कर लिया साथ में हमें पावर फैक्टर दिया गया है पॉइंट एट तो देखिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया आई फेज पावर भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अंडर थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल सब कुछ गिवन है अंडर थ्री टाइम्स ऑफ वी इज फोर हंड्रेड आई एल इज सेवनटीन पॉइंट थ्री टू पावर फैक्टर इज पॉइंट एट यहाँ से हमने अपनी पावर को कैलकुलेट किया तो पावर निकल कर आई हमारी थ्री टू डबल ज़ीरो वॉट नाउ अब हम इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं द जेड फेज दमूला इज वी फेज अपॉन आई फेज वी फेज इज फोर हंड्रेड आई फेज इज टेन फोर्टी ओम दिस इज अवर जेड फेज यहां से हम कॉस फाइव का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने आर फेज को कैलकुलेट करेंगे आर फेज इक्वल टू जेड फेज कॉस फाइव यानी फोर्टी इंटू पॉइंट एट थर्टी टू ओम जेड फेज का फॉर्मूला यूज करेंगे आर फेज स्क्वायर प्लस एक्सएल फेज स्क्वायर यहां से एक्सएल फेज निकल कर आया रूट में जेड फेज स्क्वायर माइनस आर फेज स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे और एक्सएल की वैल्यू निकल कर आई हमारी ट्वेंटी फोर ओम एक्सएल का फॉर्मूला टू पाई एफ एल यानी एल फेज हो गया हमारा एक्सएल अपॉन टू पाई एफ ट्वेंटी फोर अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फिफ्टी वैल्यू ऑफ एल इज सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री नाइन मिली आई होप अब आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को अब थ्री फेज के न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू होप यू लाइक दिस वीडियो